हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मेघना और आज है सैटरडे और मैं और प्रणव आ गए हैं क्वेस्ट मॉल लंच करने के लिए। प्रणव, खाली बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हो, पिज़्ज़ा खाओ, पिज़्ज़ा भी फिनिश करना है। और ये आ गई है मेरा स्टीम्ड मोमो जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसमें से प्रणव को भी खिलाऊंगी। प्रणव को भी मन हो गया मोमो खाने का, तो प्रणव इज ऑल्सो ट्राइंग टू कट द मोमो, है ना? तो मोमो को कट करने की कोशिश कर रहा है क्या? क्या कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? प्लेइंग? करो, सैनिटाइजर कर लो। हो गया? और हम लोग अभी आ गए हैं बेसमेंट में और ये हम लोग स्पेंसर्स के अंदर से जा रहे हैं। हम लोग अभी सीधा जाएंगे स्टार मार्क। और यहाँ स्पेंसर से मुझे फ्री सैंपल मिल गया एल्युमिनियम फॉइल्स का। हम भी सोच रहे घर पे एक तो लेगो टेबल होने से अच्छा होता ना, घर पे बैठ के लेगो खेलता रहता। और ये सब क्या चीज़ है समझ में तो आ नहीं रहा है, बहुत मज़ा आता है मुझे देखने में। और विंडो शॉपिंग करने का मज़ा अलग ही है। और ये देखिए, ये सब स्टोरेज बॉक्सेस मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि प्रणव का स्टेशनरी रखने के लिए भी चाहिए और मेरा मेकअप का सामान रखने के लिए भी, थोड़ा बहुत ही मैं मेकअप करती हूँ भी चाहिए। पर प्राइसेस थोड़ा मुझे ओवर प्राइस लगा, पर बाद में ज़रूर कोशिश करूँगी लेने की। वाओ, सो नाइस, शो मी। वाओ बेटा, सब लोग ये देखो, ये ले आ टीशर्ट। सी 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 सो सी सी सो, ये ऊपर ऊपर नीचे ऊपर में स्विमिंग बनाया क्या उधर में? वाओ नाइस, कैसा लगा मेरा बैग? वेरी नाइस। पहले येलो बैग मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। इट्स ओनली 149। हम लोग का थोड़ा बहुत शॉपिंग करना हो गया है और आते वक्त एक्चुअली जब हम लोग क्वेस्ट मॉल में आ रहे थे उस वक्त एक मतलब बैड इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, तो बस घर जाके शेयर करती हूँ वो चीज़ मैं। और ये प्रणव का एक स्पेसिफिक सारा दिन में पागलपंती का एक टाइम रहता है जब भी वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और ये ऑनलाइन जूम मीटिंग में एक्चुअली भजन संध्या चल रही थी बिकॉज हम लोग की एक रिलेटिव पिछले 12 डेज पहले वो एक्सपायर कर गए हैं, तो उनके लविंग मेमोरी में ये मीटिंग चल रहा था। तो करो ना, प्रणव और कितना ड्राइंग करेगा? एक घंटा हो गया प्रणव खाली ड्राइंग एंड कलरिंग ही किए जा रहे। और ये मैंने कल के लिए छोला बनवा के रखा है बिकॉज कल रीना मासी हम लोग की नहीं आने वाली है। और ये रात के लिए रीना मासी बना रही है रोटी। और अभी प्रणव का खाना मैं रेडी कर लूँगी, प्रणव को खाना खिला दूँगी बिकॉज़ दिन भर में वो सोया नहीं है तो कभी भी सो सकता है, तो जल्दी से उसको खाना खिला देती हूँ। और उसके साथ साथ मैंने अपना भी डिनर ले ही लिया है बिकॉज़ प्रणव और मैं हमेशा साथ में ही डिनर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हो गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड टुडे इज संडे, तो हैप्पी संडे टू यू ऑल। और आज आप लोग क्या क्या करते हैं, कैसे अपना संडे आप लोग संडे में टाइम स्पेंड करते हैं, वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू हियर दैट। और कल क्वेस्ट मॉल से वापस आते वक्त मैंने आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बोला था कि मेरे साथ एक बहुत ही गंदा इंसिडेंट हुआ है, कल हुआ था एक्चुअली, तो वो मैं आज अभी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग को सुनना है तो अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी वो चीज़। पर जिस वजह से मुझे परेशानी हुआ है वो है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुकिंग ऐप।
एक ऐप है, नाम अभी मैं नहीं ले रही हूँ वरना ये बहुत दूसरा इश्यू बन जाएगा ये वीडियो। जस्ट आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर बाद में कोई लीगल इशू हुआ, कुछ भी हुआ, तो मैं उस ऐप का नाम जरूर अपने वीडियो में लेने वाली हूँ। तो कल क्या हुआ, कल मैंने एक ऐप बुक किया था, एक ऐप से एक कैब बुक किया था। तो उसमें मैं और प्रणव जा रहे थे क्वेस्ट वॉल। जैसे ही मैं भवानीपुर तक पहुंची, एक्चुअली भवानीपुर तक नहीं, उसके पहले ही ये चीज हुआ है। जैसे ही गाड़ी एक्चुअली एक राइट टर्न लेने का एक जगह था मेरे घर के गली से निकल के, और लेफ्ट टर्न जहां हम लोग जा रहे थे क्वेस्ट मॉल, वो मेरे घर के गली से आप लोग राइट टर्न भी ले सकते हैं, लेफ्ट टर्न भी ले सकते हैं। लेफ्ट टर्न वाला जो रास्ता है वो मैं हमेशा यूज करती हूँ अपने मम्मी के घर जाने के लिए। यहाँ मेरे इन लॉज के घर से अपने मम्मी के घर जाने के लिए वो चीज मैं हमेशा यूज करती हूँ, और वो रास्ता काफी खाली रहता है, और वो बहुत अच्छा रास्ता है, एक फ्लाईओवर है जिससे आप फटाफट अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। एंड कल भी मैं जाने वाली थी क्वेस्ट मॉल, तो सेम ही रूट है वो भी, मेरे मम्मी के घर जाने का रूट और क्वेस्ट मॉल जाने का रूट एक ही है। तो फिर मैं एक्चुअली मैंने ड्राइवर जी को बोला, ड्राइवर जी ने राइट टर्न लिया, तो मैंने उनको बोला आप राइट टर्न क्यों ले रहे हैं, आप लेफ्ट टर्न लीजिए, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी 1 बज गया था और प्रणव को और मुझे बहुत भूख लग गया था और हम लोग लंच करने के लिए जा रहे थे। तो मैंने उनको बोला आप राइट टर्न लीजिए, राइट टर्न मत लीजिए, आप लेफ्ट टर्न लीजिए। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने राइट टर्न तो ले लिया, एक बार भी मुझे बोला भी नहीं कुछ के लेफ्ट टर्न लेने से ऐसा हो सकता है मैम कि राइट टर्न ही लेते हैं, इस तरह का तो बात उन्होंने किया ही नहीं। पोलाइटली उन्होंने राइट टर्न ले ही लिया अपने मर्जी से, और बहुत दूर जाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे बोला, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, आप फोन में देखिए, मतलब गाड़ी में ऊपर में एक फोन लगा हुआ रहता है उन लोग का, वो GPS ट्रैकिंग होता है उससे। तो उन्होंने बोला आप फोन में देखिए, हमको मत बताइए, आप फोन में देखिए क्या रूट दिखा रहा है, मैं एकदम फोन के हिसाब से जाने वाला हूँ। मैंने उनको बोला आप अगर फोन के हिसाब से जाएंगे तो गाड़ी में जो कस्टमर बैठे हुए हैं उनको रास्ता पता है क्वेस्ट मॉल जाने का रास्ता, आपको रास्ता पता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप राइट टर्न लेंगे तो अभी आपको दिन का 1 बजे कितना सारा ट्रैफिक मिलने वाला है, क्योंकि कल था सैटरडे और सैटरडे काफी ऑफिसर्स खुला रहता है, रास्ते में उस वक्त काफी ट्रैफिक था। तो ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए मैंने उनको बोला लेफ्ट टर्न लेने। तो पहले भी मैं इस ऐप से बहुत बार गाड़ी बुक कर चुकी हूँ, बहुत बार, पिछले 6-7 साल से मैं इस ई वाला ऐप यूज कर रही हूँ, कभी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना कल मुझे हुआ। और फिर उस आदमी का जो लैंग्वेज था, जैसा बोलने का तरीका था, वो बहुत ही गंदा था, वो बहुत ही गंदे तरीके से मेरे से बिहेव किया, तो मेरा भी रिएक्शन फिर निकल ही गया। आई ऑल्सो शाउटेड ऑन हिम, मैंने भी उनको बोला कि ऐसा नहीं होता है कि फोन में जो दिखाते हैं आप लोग वही रूट यूज करेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि ड्राइवर जी लोग अपने हिसाब का रूट भी वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि गाड़ी में जो कस्टमर है आपको सबसे पहले उनका सेटिस्फेक्शन का सोचना चाहिए, जो मैं समझती हूँ, उनका टाइम का सोचना चाहिए। जो जगह पे आप आधे घंटे में पहुंच सकते हैं उस जगह के लिए आप 1 घंटे का रूट ले रहे हैं, तो दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज हम लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं इतना सारा। एंड कंफर्ट के साथ साथ गाड़ी भी उतना कंफर्टेबल नहीं था, उतना क्लीन भी नहीं था। एंड कंफर्ट के साथ साथ सबसे जो मेन जरूरी होता है, जो कि ड्राइवर जी लोग को भी देखना चाहिए, कस्टमर को भी समझना चाहिए, टाइम फैक्टर। तो मैंने उनको बस यही बोला कि इस रूट से जाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और इस अगर आप लेफ्ट टर्न लेते तो हम लोग आधे घंटे के अंदर पहुंच जाते। ही डिडंट लिसन टू मी, एंड आफ्टर दैट एक हॉट एक्सचेंज हुआ हम दोनों में, और आफ्टर दैट उन्होंने मुझे बोला अगर आप इस तरह से मेरे से बात करेंगे तो मैं गाड़ी लेके आपको सीधा पुलिस थाने में घुसा दूंगा। ही यूज दिस वर्ड, आपको, मतलब मुझे, साथ में मेरा बच्चा भी था, आप दोनों को साथ में लेके मैं गाड़ी पुलिस स्टेशन में घुसा दूंगा। देन आई टोल्ड हिम कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे कोई लीगल एक्शन लेना पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि इतना छोटा सा इशू के लिए अगर यू कैन थ्रेटन मी फॉर पुलिस, मैं एक लेडी हूँ, मेरे साथ बच्चा है, मैं आपको टाइम फैक्टर का बोल रही हूँ कि आप ये वाला रूट लीजिए कि हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ना कि वो वाला रूट कि जहां पर हम लोग 1 घंटा भी पहुंच पाएंगे कि नहीं 1 घंटे में, वो भी श्योरिटी नहीं है। उस चीज को लेके इफ ही इज थ्रेटनिंग मी दैट ही विल गो टू द पुलिस, एंड उन्होंने ये लैंग्वेज बोला कि गाड़ी के साथ साथ आपको भी पुलिस स्टेशन में मैं घुसा दूंगा। तो अब आप ही बोलिए, अगर एक नॉर्मल
कैब ड्राइवर आप लोगों के साथ इस तरह से बदतमीजी करे, स्पेशली अगर आप एक लेडीज हो और इस तरह का लैंग्वेज यूज करे, तो फिर आप लोग को क्या करना चाहिए? आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ये बहुत ही गंदा इंसिडेंट कल मेरे साथ हुआ और फिर भवानीपुर में मुझे वो गाड़ी छोड़ के पनफ को लेके सीधा उतर जाना पड़ा और फिर हम लोगों ने एक नॉर्मल कैब में हम लोग क्वेस्ट मॉल गए थे। तो बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था कल का मेरे लिए और साथ में ये मेरे लिए एक सबक भी है। तो अगली बार से जब भी मैं कहीं जाऊंगी, गाड़ी में चलूंगी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उस आदमी से कंफर्म कर लूंगी कि वो कौन सा रूट लेने वाले हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक घंटे का रूट लेंगे जस्ट बिकॉज आपके फोन में जीपीएस में दिखा रहा है आप एक घंटा तक गाड़ी में चलेंगे और आधे घंटे का रूट आप लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले भी मैं बहुत बार क्वेस्ट मॉल का बुकिंग कर चुकी हूँ और पहले भी बहुत मैं वो शॉर्ट रूट से जा चुकी हूँ बहुत बार। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पहले के ड्राइवर जी लोग अच्छे हैं और यही एक खराब निकल गया। ऐसा है, मतलब यही एक आदमी खराब निकल गया, पर ऐसा तो नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि उनका टाइम ज्यादा कंज्यूम करा रही हूँ या उनका पेट्रोल ज्यादा जल रहा है गाड़ी का मेरे वजह से। ये नहीं है, बिकॉज आई एम द कस्टमर, मैं अपना सेटिस्फेक्शन देखूंगी। मेरा सेटिस्फेक्शन इसी में ही है कि गाड़ी जब मैं हायर कर रही हूँ एंड आई एम पेइंग फॉर द चार्जेस, तो मुझे सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मेरा टाइम भी बचना चाहिए। ये तो नहीं है ना कि हम गाड़ी में चढ़ गए तो बस आईज क्लोज कर लीजिए और ड्राइवर जी जहां जिस रूट से लेके जा रहे आप लोग उसी में ही चलिए, ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उनका ये जो कमेंट है, गाड़ी लेके सीधा आपको पुलिस स्टेशन तक घुसा दूंगा, ये कमेंट सही है कि नहीं? और एक कैब ड्राइवर से इस तरह का कमेंट एक छोटा सा इशू के लिए क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं? डू यू एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ कमेंट? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख के बताइएगा। एंड मैंने फिर कंप्लेन लॉन्च किया उनके अगेंस्ट में, मैंने सेल में कंप्लेन किया क्राइम सेल में, और फिर मैं उस ऐप में मैं मेल भी मैं कर चुकी हूँ, उस ऐप से मुझे रिप्लाई भी आया और फ्यूचर में मुझे इस चीज को लेके और मेल्स करने का मेरे दिमाग में है, आई हैव इट इन माइंड, तो मैं जरूर करूंगी, बिकॉज रॉन्ग कन्वर्सेशन एंड रॉन्ग टेक्निक, रॉन्ग प्रोसेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज कस्टमर सेटिस्फेक्शन शुड बी द मेन अल्टीमेटम ऑफ एवरी ऐप। जहां से भी आप गाड़ी बुक कर रहे हैं, इस टाइप के रॉन्ग कमेंट्स हम लोग नहीं सहने वाले हैं। तो प्लीज आई एम गोइंग टू टेक एक्शन, एंड मैंने ये चीज आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर किया बिकॉज आप लोग भी चौंकाना हो जाएंगे, आप लोग भी मतलब थोड़ा समझ लेंगे कि इस तरह का चीजें, इस तरह का बिहेवियर, इस तरह के कमेंट्स भी होते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ, और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज है संडे और ये मेरा कल का व्लॉग है जो मैं आज अभी इस व्लॉग को अपलोड कर दूंगी, तो देखते हैं आज से शायद मैं फिर से एक नया व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मिलते हैं फिर से आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।